सोल किचन चैनल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोल किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही झटपट बहुत ही डिलीशियस मटर कुलचा मेरे वाले स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं, कुक टेस्टी कुक स्मार्ट। कुलचे के साथ मटर बनाने के लिए ये देखिए, ये रात को मैंने 2 कटोरी व्हाइट मटर लेके उसको ओवरनाइट सोक करके रखा था। अभी मॉर्निंग में देखिए ये कुछ इस तरीके से है। इसको अच्छे से 2-3 पानी वॉश करके अब हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कुकर गरम करने के लिए रखा है मैंने। अब हम इसमें अपने सोक किए हुए मटर डालेंगे। इसमें पानी डालते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमें पानी ना तो बहुत ज़्यादा डालना है और ना बहुत कम डालना है। ये देखिए बिल्कुल इतना डालना है पानी कि हमारे ये जो मटर हैं ये बस डिप हो जाए। ये देखिए जैसा आप देख सकते हैं, ये देखिए आप लेवल से देख सकते हैं कि हमारे जो मटर हैं वो इसमें डिप हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छे से गल जाए और हमें बहुत ज़्यादा विसल ना लगानी पड़े इसके लिए ये देखिए बिल्कुल चुटकी मैंने बेकिंग सोडा डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उसके बिना भी ज़्यादा विसल देके इसको गला सकते हैं। ये वाले मटर बनाने के लिए हमें इसमें कोई भी खड़े मसालों को डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर इसमें कड़ाई में तेल लगा के मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी लगाने तक इसका वेट करेंगे। और फैक्ट देखिए, घर में तवा कुलचा बनाने के लिए आज हम ईस्ट का कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि बिना ईस्ट के मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए ये देखिए 2 कटोरी सबसे पहले मैदा ले लीजिए। ये देखिए आप कटोरी का साइज देख सकते हैं, 1 कटोरी, ये देखिए 1 कटोरी और, ये 2 कटोरी हमने मैदा लिया। इसमें ये देखिए थोड़ा सा जाएगा नमक, इसे जाएगी पाउडर शुगर, इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने बटर डाला है 3 से 4 चम्मच। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी करेंगे थोड़ा सा मिक्स। देखिए इसमें 4 चम्मच भर के मैं दही डाल रही हूँ, ये घर का जमा हुआ ताजा दही है। 1 चम्मच, 2, 3 और ये 4 चम्मच इसमें जाएगा दही। छोटा टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर और बिल्कुल 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें छोटा वाला बेकिंग सोडा। हीट करने के लिए हम हल्का सा इसके ऊपर पानी डालेंगे और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अभी हमने पानी का यूज नहीं किया। अभी देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम हाथ से इसका एक अच्छे से डो रेडी करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि इसका डो बहुत नरम होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे ताकि इसमें अच्छे से प्रॉपरली जाली बन सके। अब देखिए ये थोड़ा सा नीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें खींचने पर ये देखिए ये इस तरीके से ब्रेक हो रहा है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, कुलचों का जो आटा हम लगाते हैं उसमें इतनी इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए इसको खींचने पर ये देखिए ये ब्रेक हो रहा है। तो हम इसको कम से कम 1.25 घंटे के लिए हल्का सा घी का हाथ लगा के इसको ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ताकि ये प्रॉपरली अच्छे से लचीला हो जाए और हमारे जो कुलचे हैं वो बहुत प्रॉपरली जालीदार बने। हमारा आटा मलकी रेडी है। अब हमने थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको ढक के, आप चाहे तो पतले कपड़े से ढक लीजिए, आप चाहे तो प्लेट से ढक लीजिए, माइक्रोवेव में रख दीजिए, लेकिन किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको थोड़ी सी गर्माइश मिले और ये प्रॉपरली फूल सके। अब देखिए 3 से 4 सीटी के बाद कुकर की भाप पूरी तरीके से निकल चुकी है। ये देखिए अब हम इसको खोल के अपने मटर चेक करेंगे। ये देखिए विसल लगने के बाद मटर कुछ इस तरीके से हो जाने चाहिए। देखिए छिलका इसमें से अलग हो गया है। अब देखिए ना तो ये बहुत हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा गले हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये देखिए ये अच्छे से मैश भी हो रहा है और ये थोड़े से खड़े हुए भी हैं। अब हम इसको अपने एक बॉल में ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए इस स्टेज पर मटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। हमें इनको कोई भी तड़का नहीं लगाना, कोई दोबारा इसको फ्लेम पे नहीं रखना। बाहर जिस तरीके से हम मटर खाते हैं उनके पास बहुत बड़ा पतीला होता है जिसमें वो सारे मसाले मिक्स करते हैं, लेकिन हम यहाँ अपने बोल में वही वाला सारा प्रोसेस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें 2 चम्मच भर के जाएगा भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच भर के जाएगा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद नमक,
चम्मच से कम काला नमक, ये ऑप्शनल नहीं है, काला नमक से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अब इन सबको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। आधा चम्मच जाएगा इसमें चने का मसाला। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए इस तरीके से। आधा जाएगा नींबू का रस, इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको चटपटा और खट्टापन देने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इमली को सुबह गर्म पानी में भिगो के रखा था और उसको मैंने छान के रखा है। अब ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें एक या दो चम्मच डाल सकते हैं, जितना भी आप खट्टा खाते हैं, मैं इसमें दो चम्मच डाल रही हूँ। इसको भी करेंगे मिक्स। अगर आपके पास इमली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अमचूर या आप अनारदाने की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वही टेस्ट आएगा। इसमें देखिए रफली चॉप किया हुआ जाएगा थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, देखिए बारीक बारीक कटा हुआ इसमें जाएगा अदरक, थोड़ा सा जाएगा फ्रेश हरा धनिया। अब इन सबको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। अब देखिए लग रहा है ना कि पतीले वाले जो बटर हैं वो घर में ही बन रहे हैं, बस हमारे पास एक पतीले की कमी है। अदरवाइज आप देखिए इसको कहीं पर भी आपको प्याज टमाटर को सोड़ने की या कुक करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी खट्टा जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट में से थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर दीजिए। अब देखिए कुलचे वाले मटर हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अब हम अपने जो हमने आटा लगाया था अभी से एक घंटा पहले, अब हम अपने आटे की तरफ आते हैं और फटाफट से इसके साथ कुलचे रेडी करते हैं। देखिए आटे को रखे हुए हमें एक से सवा घंटा हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये कितना नरम है और कितने अच्छे से फूल गया है। अब हम इस पूरे आटे को निकाल के अपने चकले पर थोड़ा सा इस तरीके से इसको थोड़ा सा और मलेंगे। अब देखिए इसको हम खींच के देखेंगे कि देखिए ये कितना लचीला है, ये देखिए, ये देखिए, अब ये प्रॉपर हमारा कुलचा बनने के लिए रेडी है। अब हम इसको छोटे छोटे लोई में डिवाइड करेंगे, इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर रखेंगे हम। आप इस बात का ध्यान रखिए कि इस स्टेज पर आके आपको बिल्कुल भी सूखा आटा, मैदा या कुछ भी इस टाइप से डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये थोड़ा सा स्टिकी लगता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे अब हल्का सा अपने हाथ में इस तरीके से ऑयल लगा के इसके आप छोटे छोटे पेड़े बना सकते हैं। अब देखिए आटे के हमने बॉल्स रेडी कर लिए हैं, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए देखिए बाकी के हम एक पेड़ा लेंगे और बाकी को हम टिश्यू से कवर कर देंगे। आपके पास कोई पतला नैपकिन है तो आप नैपकिन से कवर कर दीजिए ताकि ये सूखे ना। अब हम अपना बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं। अब देखिए आप इस बात का एक बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आपने चकले पर सूखा आटा या मैदे को डस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। आपने इसमें अगर आपको ज़्यादा लग रहा है आप इसमें हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, देखिए इस तरीके से, और आप अपने बेलन पर भी हल्का सा ऑयलिंग कर लीजिए, ये देखिए इस तरीके से। देखिए हम अपने इस कुलचे को बेलेंगे इस तरीके से, आप चाहे तो राउंड बेल लीजिए, आप चाहे तो जिस तरीके से मार्केट में लंबे लंबे मिलते हैं उस तरीके से बेल लीजिए। थोड़ा सा इसको बेल जाने के बाद आप जैसे कि इसकी मोटाई देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी मोटाई को रखना है। अब बिल्कुल हल्का सा हाथ में आपने पानी लेके इसमें हल्का सा पानी आप टैप करेंगे इस तरीके से, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे काले तिल, जिस तरीके से मार्केट में हमको मिलते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो भी कोई बात नहीं। थोड़ा सा डालेंगे धनिया, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, देखिए इस तरीके से, और हल्के से पानी से हम इसको प्रेस करेंगे। तो देखिए मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, आप चाहे तो तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको नॉनस्टिक पैन पे बनाऊंगी। हल्का सा इसमें ऑयल लगा के इसको अच्छे से पहले किसी टिश्यू से या कपड़े से आप इसको क्लीन कर लीजिए, इसको हल्का सा अच्छे से गर्म होने दीजिए। गैस के फ्लेम को सिम रखिए। अब ये देखिए इधर ये बिले हुए हम अपने इस कुलचे को धीरे से इस तरीके से उठाएंगे और पीछे के साइड पर भी हम हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा हम इसको पानी लगाएंगे और इसको हम इसके सेंटर में डाल देंगे। अब ये
ये प्रॉपरली फूले। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको एक बहुत स्पेशल टिप दे रही हूँ। आप हल्का सा पानी लीजिए और इसके साइड में ये देखिए इस तरीके से स्टीम बनाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। इस तरीके से ऊपर पानी नहीं डालना, हमको साइड में पानी डालना है और हम इसको एक लिड से ऐसे करके कवर करके हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक के लिए सिकने देंगे। तक ये सिक रहा है हम अपना दूसरा कुलचा भी रेडी करेंगे। देखिए इसी तरीके से हम चकले को ऑयल कर लगाएंगे और देखिए इसी तरीके से हम अपने बाकी के कुलचे भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। 3 मिनट हो गए हैं। इसको हमें लिड को बहुत ध्यान से उठाना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी होता है। अब हम इसको इसकी साइड चेंज करके देखेंगे। वाओ, देखिए जैसा आप देख सकते हैं कि कितना फर्स्ट क्लास हमारा कुलचा बिल्कुल बाजार स्टाइल का बनके रेडी हुआ है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और अपना दूसरा कुलचा भी इसी तरीके से हम ये देखिए उठाएंगे, हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको हम सेंटर में डाल देंगे, आसपास पानी डालेंगे और लिड लगा के 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको सिकने देंगे। ये देखिए इस पे हम आप चाहें तो बटर लगा लें, आप चाहें तो देसी घी लगा लें। ये देखिए हमारा कुलचा, देखिए जैसा आप देख सकते हैं ये अच्छे से बन के रेडी हुआ है। देखिए हम अपना अगला कुलचा भी चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं देखिए कितने कितना नरम है। ये देखिए इस पे आप घी लगाइए, बटर लगाइए, कुछ भी लगाइए, है ना आसान अब घर में भी छोले और कुलचे बनाना। अब हम इसको करेंगे सर्व। थोड़ा सा जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जाएगा चाट मसाला। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे कुछ नई रेसिपीज के साथ, कुछ डिलीशियस टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।